15th of August, 1947. The British Empire in India has come to an end. The last viceroy, Louis Mountbatten. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. I was waiting for you. Amara British Company is Bharat Desh ko swatantrata lauta sakta hai. Lekin main tumhare gaon ko swatantrata kabhi nahi dunga. I want every resource of this village. This is mine! And you. I always wanted to wear gold jewels. But you made me wear this bandage. You don't like me, right? You always want to fight me. Fight and fight, right? The sword. Take the sword and fight with me. Fight with me, you poor Indian bugger. Come on. Come on. के बारे में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है सर। क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, बट डोंट यू थिंक उस गांव में दिलचस्पी दिखाकर तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हो? ऐसा नहीं है सर। उस गांव की हिस्ट्री और मैंने इकट्ठा की हुई जानकारी, दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। इसलिए वहां जाकर मैं रिसर्च करना चाहती हूं और हमारे चैनल के लिए एक प्रोग्राम बनाना चाहती हूं। वहां कोई क्लू मिला तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनेगा, नहीं मिला तो एक नई जगह देखने को मिली है सोचकर वापस आ जाऊंगी। ये देखिए सर, उस गांव के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और जो हिस्ट्री की किताब मैंने पढ़ी है और मैं उस गांव में क्यों जा रही हूँ, ये सब कुछ इस लेटर में लिखा है। लेटर किसके लिए? होम मिनिस्टर के लिए। होम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर को क्यों? कर्नाटक की बॉर्डर को लेकर उनसे ज्यादा कंसर्न और कोई इंसान नहीं है। ओके, गो अहेड। अगर कोई अच्छा प्रोग्राम बना तो हमारे ही चैनल की TRP बढ़ेगी। तुम जा सकती हो। हरीश, थैंक यू। कुटे चालीस फोटो खींच रही थी क्या? ले मेरा फोटो खींच। नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्या है। मैं TV9 चैनल में एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है हमारे स्टेट पर ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाने का, जिसके लिए ऐतिहासिक जगहों की जानकारी चाहिए थी। तब मेरे हाथ कर्नाटक का गुमशुदा इतिहास नाम की किताब लगी। तब मुझे एक गांव के बारे में पता चला।
उसका नाम है विक्रमातीर्थ। उस गांव की विशेषता ये है कि वहाँ के लोग गंधर्व जाति के हैं और सैकड़ों सालों से मैसूर के रहवासी हैं। सन 1764 में मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए उस गांव के रहवासी पलायन करके महाराष्ट्र की ओर चले गए, यानी आज का बेलगांव पहले कर्नाटक में था। वो लोग अपनी गंधर्व भाषा बोलने की बजाय मैसूर की कन्नड़ भाषा बोलते हैं और यही उन लोगों की विशेषता है। मैंने आपको ये चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि आप जान सके कि उस गांव के बारे में जानने के लिए जब मैंने कर्नाटक का मैप उठाया तो मैप में उस गांव का कहीं नामो निशान नहीं है। बात की गहराई तक जाने के लिए मैंने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स से इंक्वायरी की। सभी का यही कहना था कि इस इलाके में इस नाम का गांव है ही नहीं। समझ में नहीं आता कि एक पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतिहास की किताब में जो लिखा है क्या वो झूठ है। मेरी आपकी सरकार से विनती है कि आप उस गांव के बारे में छानबीन करें और मैं भी उस गांव का इतिहास क्या है ये जानने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू दिव्या। हरी सर, एक गांव का जिक्र हुआ है जो हमारे नक्शे में नहीं है। अब लेटर वाले रिपोर्टर को जरा यहाँ बुलवाना। ओके सर। ये बात सच है कि बॉर्डर की प्रॉब्लम फिर से खड़ी हुई है, लेकिन हमारी बातचीत जारी है। सर, आपके कहने के मुताबिक रिपोर्टर को बुलाने के लिए मैंने चैनल के ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वो 10 दिनों से ऑफिस में आई ही नहीं और मोबाइल भी उसका नॉट रीचेबल बता रहा है। वो शायद किसी गांव की तलाश में गई थी लेकिन अभी तक लौटी ही नहीं, इसलिए उसके माँ बाप ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है सर। अच्छा। मुझे लगता है वो लड़की जिस गांव में गई है उसके साथ वहाँ जरूर कोई हादसा हुआ है। आई सी। मैं सीएम से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। नॉट टू वरी। नमस्कार सीएम साहब। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हाँ थैंक यू। इतनी देर क्यों लगी? क्या करें, काम ही कुछ ज्यादा था। क्या भाई, मंत्री बनने के बाद काम ही क्या है। थू है तुम पर। जनता हमें इसलिए मंत्री बनाती है ताकि हम ढेर सारी दौलत कमाए, फिर आने वाले चुनाव में पिछली बार से कुछ ज्यादा खर्च कर सके। सॉरी सर, लोगों के प्यार, विश्वास और हमदर्दी के बदौलत मैं पिछले 8 साल से चुनाव जीतते आ रहा हूँ। आपकी ये कैलकुलेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। तुम अगर समझ गए होते तो तुम्हें होम मिनिस्टर बनने में इतना समय थोड़ा ही लगता। ये सब बातें होती रहेंगी सर। मुझे आज आपसे एक खास बात करनी है। क्या मुसीबत है, पार्टी में ऐसी बातें? बोतल खोलो, कोना पकड़ो और एंजॉय करो ना यार। जो बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ उसे छोड़कर अगर आप बोतल खोलकर बैठे तो कुछ ही दिनों में आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। हाँ। सर, कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मुझे मिली थी, उसे मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। उसमें एक गाँव के बारे में जिक्र किया गया था लेकिन उसे लिखने वाली अचानक गायब हो गई है। जैसे ही मुझे बताया गया मैंने इस मामले को गंभीरता से लिया। मैं उन सारे डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कर चुका हूं जो इस विषय से ताल्लुकात रखते हैं। वहां से मुझे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे गांव का कोई वजूद ही नहीं है। ओहो। अब सवाल ये है कि वो लड़की गई कहां? सर मामला गंभीर है, आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। हाँ। सुनो मिस्टर होम, अगर तुम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हो तो यू कैन गो होम। किसी का एक बेकार लेटर पढ़कर तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो? खैर वो छोड़ो, उस गांव के बारे में किसी ने कोई आवाज उठाई है क्या? नहीं सर। विरोधी पक्ष वालों ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? बिल्कुल नहीं। मरने दो नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रेशर आया है तुम्हें? अभी तक तो नहीं। अच्छा, कोई न्यूज रिपोर्टर लापता हुई है ऐसा न्यूज चैनल वालों ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो रिपोर्टर लड़की किसके साथ भागी, कौन थी वो, किसे पता? जाने से पहले वो तुम्हारे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा गई। मान लो जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो आज तक वो उभर कर सामने क्यों नहीं आया? शायद हमारे जैसे बड़े लोगों का हाथ होगा, इसीलिए कह रहा हूं ऐसी बातों में हमें टांग नहीं फंसानी है। सर, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ? कम से कम ऐसा कोई गांव है या नहीं ये तो जानने की कोशिश कीजिए। क्या यार, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में देशभक्ति का सबसे ज्यादा कीड़ा तुम में है। अपने विरोधी पक्ष के टॉर्चर से ज्यादा तुम्हारा टॉर्चर झेलना पड़ता है। पर करूं तो क्या करूं, चाहे जो भी हो सीनियर हो तुम मेरे, उगल भी नहीं सकता निगल भी नहीं सकता, क्या करूं। ठीक है, तुम्हें जो करना है सो करो, जाओ। थैंक यू सर। Oh my God. इस नाम का कोई गांव कर्नाटक में है क्या सर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता लगाना तुम्हारा काम है। ओके सर, मैं उस गांव में एक स्पेशल टीम बनाकर भिजवाता हूँ। बिल्कुल नहीं,
अगर इस विषय के बारे में बाहर के लोगों को गलती से भी पता चला तो तुम जानते हो कि हमारे गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हो सकती है। मेरे मन में एक छोटी सी शंका है, उस गांव के बारे में रिसर्च करने वाली लड़की उस गांव में घुसते ही लापता हो जाती है। ऐसा लगता है कि उस गांव में ही कोई रहस्य है, इसलिए मैंने सोचा है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम किया जाए। ओके सर। तुम्हारी नजरों में अगर पुलिस में भर्ती होने के लिए कोई ऐसा लड़का है जो जांबाज, यंग और दिलेर हो तो हम उसे वहां भेज सकते हैं। सर वो गांव कहां है, कौन से राज्य में है कोई नहीं जानता, फिर किसी को कैसे अपॉइंट करें सर? देखो कोई ऐसा कैंडिडेट है या नहीं, फिर क्या करना है और कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। वैसे ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर में? You are rejected. तेरी रिटायरमेंट तक या तू मरने तक मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ, बट दोनों कानों में तेल डालकर अच्छी तरह से सुन ले, मैं पुलिस बनने के लिए तुझे एक रुपए भी रिश्वत नहीं दूंगा। चलता हूँ। फिर तो तू पुलिस वाला कभी नहीं बनेगा। टेररिस्ट लोगों को इन सिलेक्टर्स के घर पे बॉम्ब लगाना चाहिए। हराम की कमाई से अपने महल खड़े किए इन्होंने, अब इतना डिसेंट दिखने का क्या फायदा। बहुत प्यास लगी है, पीने का पानी कहाँ मिलेगा? ये दिया किसने? तुम अब तक मुझसे 3852 वाटर बॉटल्स ले चुके हो। अरे दहेज में मैं तुमसे सिर्फ पानी ही तो ले रहा हूँ। क्या अब तुम्हें दहेज भी चाहिए? इतना सस्ता दहेज तो शायद ही किसी ने लिया होगा। हाँ हाँ बड़े आए। अगर तुमसे शादी हो गई तो संसार चलाते चलाते माथे पर कर्ज चढ़ेगा। हा? उसे उतारने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। मेरी अकेले की पुलिस की कमाई से कुछ नहीं होगा ना मेरी जाने मन। आहा, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, पहले पुलिस वाले बनो उसके बाद पुलिस की कमाई के बारे में बात करना। तो अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। जरूर बनूंगा मैं, पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा। जितने सिलेक्शन ऑफिसर्स है ना उन्हें एक बार मर जाने दो, रिश्वत रिश्वत करके मर जाएंगे। चलो वहाँ जगह खाली हुई है, बैठते हैं। सुनो अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, उन्हें कितनी रिश्वत चाहिए बता दो, मैं पापा से कहकर दिलवा देती हूँ, फिर तुम जल्दी से पुलिस वाले बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी अब मुझे लाइन मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो 30 साल के बाद शादी करता है उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या? देखा वो रिश्वत खाने वाले सिलेक्टर्स मुझे पुलिस ऑफिसर बनने से ही नहीं रोक रहे हैं बल्कि हमारी शादी भी रोक रहे हैं। अरे इन सबके ऊपर तो होम मिनिस्टर है, क्यों ना उनसे कंप्लेंट करके उनके जरिए मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं? हाँ? ठीक है तुम ये आखिरी कोशिश भी करके देख लो। उसे प्रमोशन पहले ही मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। ए, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ। तो फिर ये जोर से लगी है। अगर मैं यहाँ से हट गया तो पुलिस की नौकरी चली जाएगी, इसलिए पुलिस की नौकरी पाने के लिए अब तक रोक के रखी है। छी, अरब में जैसे पेट्रोल पर कंट्रोल करते वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे मेरी जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ेगी। हाँ होम मिनिस्टर सर आ गए हैं। हाँ सीएम साहब ने अचानक बुला लिया। ओके सर। इन सबसे कहो कल। ठीक है सर।
अभी मिनिस्टर साहब नहीं मिल पाए, वो कल आएंगे। नमस्ते 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 सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम विक्रम है और पुलिस ऑफिसर बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है सर, तो अगर इसमें आप मेरी सहायता कर दे देखो तो सर। भाई पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है, उसे छोड़कर तुम मेरे पास आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। करेक्ट बात है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर भी ये फाइल आप। चलो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा। सर सुनिए तो सर 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 विक्रम सर 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 थोड़ी देर अगर और हो जाती है। ए, सुनती हो? जब मैं पुलिस बनूंगा तब मुझे इतना ही सुकून मिलेगा। बाप रे, हो गया काम तमाम। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब आगे क्या करोगे सोचा है? थू, बैड लक, इतनी जोर से लगी थी मैं ठीक से उन्हें समझा भी नहीं पाया। बाप रे, कितने बिजी थे ना वो। मैंने कहा था याद है, तुम्हें क्या लगा था होम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम है? और अगर मिलके दिखा दूं तो? सर 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 चिल्लाइए मत सर सर, मैं चोर गुंडा नहीं हूँ। कौन हो तुम, मेरे कमरे में कैसे आए? सर मैं कोई टेररिस्ट या नक्सलाइट या भूत आत्मा ये सब कुछ नहीं हूँ सर। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। 2 दिन पहले के सुबह के फ्लैशबैक में जाइए, पुलिस वाला बनना मेरा लक्ष्य है और आपको मैंने फाइल दिखाई थी। उसके लिए मैं तो तुम्हें रास्ता बता चुका हूँ। हाँ आपने बताया था सर, मैं भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और ट्रेनिंग भी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ सर। लेकिन क्यों सर? वो रिश्वत बीच में आ जाती है सर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गर्लफ्रेंड को बताऊंगा ना वो तुरंत इंतजाम कर देगी और फटाफट पुलिस ऑफिसर भी बन जाऊंगा। लेकिन एक बार जो रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ तो जब तक वो पैसा रिकवर ना हो जाए तब तक ये चलता ही रहता है। एक बार रिश्वत का कीड़ा लगता है तो छूटता है क्या सर? सर मेरे हिसाब से ये रिश्वत की बीमारी ना एड्स की बीमारी जैसी है, लग गई तो छूटती ही नहीं, सही है ना सर? मैं कुछ ज्यादा भूल गया सर। सबसे पहले तो मैंने आपके बेडरूम में एंट्री ली, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद मिडनाइट में आपकी नींद खराब करके आपको परेशान किया। सर मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे घूस खिलाकर बेल्ट खरीद कर पुलिस वाला बनकर अपना पेट नहीं पालना है सर। मैं तो पुलिस पावर क्या है ये पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, ऐसा जाबांज पुलिस वाला बनना चाहता हूँ सर। प्लीज सर, भगवान के लिए सर, देखिए सर रनिंग में फर्स्ट, जंपिंग में भी फर्स्ट, देखिए फिजिकली सुपर्ब सर, हाइट भी ओके सर, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है सर, क्या करूं सर? आपके बंगले में फुल सिक्योरिटी लगने के बाद भी इस आधी रात को मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं तो सोचिए मैं कितना जिगर वाला हूं। सॉरी सर। ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर? यू आर सेलेक्टेड सर। ये ढक्कन पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया है? ए शेखर सर, जरा देखो इसे। इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया है। पुलिस का ड्रेस पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ए, ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है पता है? बत्ती सी मत दिखा कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद, इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं, वैसे मैं भी पुलिस वाला आप भी पुलिस वाले, सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हे, तुझे किस गधे ने कहा है कि तू पुलिस वाला है? ओ, क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आई थिंक कमिश्नर साहब फोन उठाकर नंबर डायल कर रहे हैं और ये इन्फेंट्री रोड गर्बन पार्क 4 रास्ता सर्कल तक पहुँचा, येलो घंटी बजी। टेक द फोन सर। हेलो हेलो शिवमूर्ति, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम्हारे पास विक्रम नाम का एक लड़का आएगा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो, उसका फर्ज क्या है उसे बताओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो। सर ये लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हेलो अब सुनाई दे रहा है? उससे कुछ और काम है। सुनो उससे ये मत बताना कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके मेरे पास भिजवा। ओके ओके सर, जल्दी भिजवाता हूँ सर, थैंक यू सर। ए, सुना ना, आया बड़ा पुलिस वाला बनके,
ये ले, इस डॉक्यूमेंट को ले जा और कमिश्नर को दे। गेट आउट। मेरी बात तो सुनो बेटा। सर, मेरी माँ की कसम सर, आज सुबह सुबह 3 बजे थे, होम मिनिस्टर साहब ने यो सिलेक्टेड ऐसा कहा था। ओके ओके। लेकिन आपने, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, ऐसा मेरे दुश्मन से बोल दिया सर। अब सर, मेरी बात सुनो। मैं पुलिस वाला बन रहा हूँ, इस खुशी में मैंने ये कपड़े भी सिलवा लिए सर। मेरे घर के सामने ही एक टेलर है सर, चिंगारी टेलर नाम है, बेचारा बहुत बूढ़ा है, फिर भी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया सर। मशीन चलाता रहा, शर्ट बन गई लेकिन पैंट बनाने से पहले उसे एडमिट कराना पड़ा सर। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कुछ किया लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया ये कह के मैं पुलिस वाला नहीं हूं। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, देखो देखो तुम रो नहीं सकते हो, होम मिनिस्टर आ ही रहे होंगे, शांत हो जाओ, बस करो, मैंने फोन किया है उन्हें। वो देखो लगता है वो आ गए। मॉर्निंग सर। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया सर, आपने जिसे अपॉइंट किया है उसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों ऑफिसर? कुछ नहीं सर, मैंने अपने ऑफिसर को कहा कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, जब से इसने ये सुना है ये फुट फुट के रो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। क्या सर, आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे डरा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। तुम पुलिस वाले बनने के लिए तैयार हो? थू मेरी किस्मत सर, आपकी जो गाड़ी है ना उसके ऊपर जो लाल बत्ती लगी है उसकी कसम खाता हूँ सर। देखो बोलिए सर, हमारे गुजरे हुए इतिहास और आने वाले भविष्य में कोई तुम्हारे जैसा ऑफिसर होगा ये मुझे नहीं पता। एक ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनी और एक अप्रेंटिस ट्रेनी होता है, उसी तरह तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर यू विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, तुम अगर इसी वक्त से अप्रेंटिस पुलिस बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम्हारी पहली ड्यूटी जहां लग रही है उस जगह का नाम है विक्रमातीर्थ, कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका। वहां तुम्हें और पुलिस वालों जैसी सुविधा नहीं दी जाएगी, गन पावर, बोर्डिंग, जीप, टीए, डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट मनी से तुम्हें देता रहूंगा। जहां तुम जा रहे हो वहां डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहां मौत से भी उलझना पड़े। अब बताओ क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? सर मैं सच में पुलिस हूं ना? हाँ तुम पुलिस वाले हो। फिर तो बात ही खत्म, मैं पुलिस वाला हूं तो फिर मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, नो प्रॉब्लम। देखो तुम जो काम कर रहे हो ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को कुछ ना पता चले, समझे? सर गर्लफ्रेंड को बताना पड़ेगा। सर बट नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज सर। ओके सर, बट एक छोटा सा डाउट है। हाँ? होम मिनिस्टर होने के बाद भी आप इस तरह सीक्रेटली काम कर रहे हैं, आपके हाथ में तो पावर है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने देश को बेच देने वाले राजनेता सदियों से इस भूमि पर जन्म लेते आ रहे हैं, यह उसी का परिणाम है कि हम इस मिशन पर हैं। जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें एक लेटर में मिल जाएंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ और एक बात, तुम इस काम में बिजी होकर कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को मत भूल। नहीं सर, जरूर याद रखूंगा। सर लिए बगैर ही जा रहे हो क्या? सैल्यूट। ये लो जानो, प्रसाद खाओ और खाने के बाद मेरे लिए दुआ मांगना। ए, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आई, क्या हुआ? ये ईश्वर मुझसे खफा है, मेरा हाथ छोड़ दिया। ओ अच्छा, मैं तो अब तक सोचता था कि भगवान सिर्फ वर ही देते हैं, हाथ भी देते हैं। सुपर। वैसे तुम्हारा हाथ कब पकड़ा था? अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मैं हमेशा इस भगवान के पास आती थी, कितने होम हवन पूजा न जाने क्या क्या कर चुकी हूँ। लेकिन इन्होंने मेरा हाथ फिर भी छोड़ दिया। ए पारो, भगवान ने सब कुछ बराबर कर दिया है, मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है, अब क्या चाहिए? दरअसल मैंने तो ये मन्नत मांगी थी कि पुलिस की नौकरी तुम्हें कभी मिल ही ना पाए। तेरी तुत, दुश्मन कहीं और नहीं, बगल में ही बिठा कर रखा था मैंने, मतलब तुम्हारी वजह से अब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल रही थी। जी करता है कि अब ये खींच के दूं। ठीक है वही कर दो, अच्छा होगा। जानते हो तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे यही सोचकर डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों क्यों डर लग रहा है तुम्हें? हाँ क्या हुआ? जहाँ जा रहे हो अगर वहाँ कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई तो तुम मुझे भूल जाओगे ना, इसलिए। ओह
ये बात है। सो तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम और डाउट ज्यादा है। अच्छा अभी तुमने कहा कि तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की अगर मिल जाए तो, लेकिन ये किसने कहा कि तुम खूबसूरत हो? आज के दिन हमारे कॉलेज के सभी विभागों के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और आज के मुख्य अतिथि के रूप में मिनिस्टर्स, आप सबके सामने मैं एक बात खुलकर कहना चाहता हूँ। बायोटेक स्टूडेंट फाइनल ईयर पार्वती, आई लव यू। अचानक कुछ याद आ गया क्या? वो दिन याद आ गया जब तुमने प्रपोज किया था। अरे वो तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हाथ कुछ दे दो। देखो पापा कराटे सिखा रहे हैं। हे, देखो भूल से भी पापा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पुलिस वाला बन चुका हूँ। पता नहीं क्यों वो पुलिस वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चलो ये क्या विक्रम, तो इन्फॉर्म किए बिना ही माँ ये मेरी फ्रेंड है। ओ और मैं इसी से शादी करूंगा। पैर छू, पैर छू। सुनिए जी। ए तुमने गुड़िया को सांस लेते हुए देखा है? गुड़िया को सांस लेते हुए? हाँ चलो। ये है मेरी दादी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये ऐसी है। पता नहीं भगवान इन पर कब दया करेगा। दादी ये देखो माय वुड बी। चलो तुम अपना ख्याल रखना हा? और ऐसा काम करना जिससे तुम्हारा नाम हो। इतनी दूर जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। जाओगे। जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं, क्या कहते हो? वो टीए डीए ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट वाले कुछ दे नहीं रहे हैं, इसलिए खर्चे के लिए 2-3 हज़ार दे सकती हो क्या? लॉन्ग जर्नी है ना, स्वीट वीट खाते हुए तुम्हें याद करते हुए जाऊंगा। रास्ते में अगर जहर मिले ना तो वो भी खा लेना तुम। अरे सुनो तो, आई लव यू, आई हेट यू। टिकट सर? सर टिकट पे कोई डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो पत्थर फेंक कर मारा, अगर वो कांच पे लग जाता तो डबल चार्ज देना पड़ता। वो तेरी लवर है क्या? हाँ बॉस, आपको कैसे पता चला? उसने जिस हक से तेरे ऊपर पत्थर फेंका तभी मैं समझ गया कि वो तेरी लवर ही हो सकती है। एक्सपीरियंस है बेटा, इन लड़कियों का इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, तेरा डिस्काउंट मांगना समझ सकता हूँ। अच्छा ऐसा क्या, ये मुझे नहीं पता था। मैंने आज तक गर्लफ्रेंड के पीछे 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, उल्टा उसी से हमेशा उधारी लेता रहता हूँ। हाँ, उधारी? फिर तो तू बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है। वो सब ठीक है, जाना किधर है? विक्रम तीर्थ। ये बस बेलगाम तक ही जाती है, वहाँ उतर कर आगे तुम्हें पैदल ही जाना होगा। ओके ऐसा ही करूँगा, टिकट दो। टिकट टिकट, चुपचाप बैठ के सफर का मजा मत लो, टिकट खरीदो। हाँ लास्ट के कोने वाले बाबूजी, टिकट ले लो। कर्नाटक स्टेट यहाँ पर खत्म हुआ। ओह, होम मिनिस्टर जी ने कहा था बॉर्डर के अंदर है,
थू, मेरी किस्मत। सोचा यहाँ पे किसी से एड्रेस पूछूं, लेकिन यहाँ तो जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। थक गया यार, अब और चला नहीं जाता। लगता है वहां पर कोई काम कर रहा है, जाकर उनसे पूछ लिया जाए। वहां जाने से पहले ऑफिसर तो बन जाऊं। चिंगारी जी, आप मेरी पैंट कब रेडी करवाएंगे? जय चामुंडेश्वरी। चल भाई, ये बोझ भी उठा ले। महाराष्ट्र प्रारंभ। भाई साहब, ये जगह विक्रम तीर्थ है ना? जब ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, तो फिर कर्नाटक राज्य वहां खत्म होता है, ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? जवाब दो बॉस। अरे यार, ये एकदम पुतले की तरह ही खड़ा है, क्या हो गया? ए पागल हो गया, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उन्होंने तुझे घूमते हुए देख लिया ना, तो तेरी और मेरी खाल उधेड़ देंगे। चल जा, काम कर, जा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन जमाना हो गया उसे उजड़े हुए साहब। आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? हाँ हाँ, एक तरह का अप्रेंटिस पुलिस ही हूँ। देखिए, यहाँ जो भी आता है ना, उसे पाटिल भाई से मिलना जरूरी होता है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तुम जान पहचान करवा दोगे? आएगा रे। हाँ पुलिस, अप्रेंटिस पुलिस, नया नया अपॉइंट हुआ हूँ। जा, चाह गया उन्हें। हाँ तुझे नाना ची टांग कुठू नालास रे? आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? इथून जायला सांग याला, नाहीतर जिवंत गाडी न्याला इथे, सरळ जाईल वरती देवाजवळ। एकदम गावठी पिझा रे, ए गाडू समजून सांग रे याला। क्या कहा इन्होंने? पुलिस को भगवान के पास पहुंचा दे। जीना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ देंगे। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े। आमच्या समोर येण्याची हिम्मत, वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। Oh,
यहाँ के पुलिस स्टेशन को इस कमीने ने उजाड़ा है तो अब इसका ऑफिस ही पुलिस स्टेशन बनेगा। ए, रिपोर्ट को लेके आओ। मेरे सांगली क्षेत्र के प्यारे भाई और बहनों को आपके इस कुलकर्णी का नमस्कार। इस क्षेत्र के किसी भी इंसान के साथ मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और ये मेरे पार्टी का कर्तव्य। अरे भाई को जाने दो, हटो। मेरे जाकर अपने भाई को देखने से पहले उसको मारने वाले की लाश हॉस्पिटल में पहुंच जानी चाहिए वरना तुम लोगों की लाश गिर जाएगी। किसने मारा मेरे भाई को? कोई पुलिस वाला था भाई। मेरे बाप के जमाने से ही वहाँ पुलिस स्टेशन को उजाड़ दिया गया है, फिर वहाँ पुलिस कहाँ से आ गई? कौन हो तुम सब लोग? क्यों उन लोगों ने तुम सबको यहाँ गुलामों की तरह चैन से बांध के रखा है? उन लोगों का खौफ मन में रखे क्यों सड़कर मर रहे हो? यहाँ से ये मिट्टी जाति का है? क्या है, क्या है ये सब, बोलो। क्या बताएं साहब, ये सब आज से नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारे दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है। कहते हैं हम सब कर्नाटक के हैं और इस जगह पर हमारा कोई हक नहीं। उनका मानना है कि ये उन्हीं की जागीर है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब और आप यहाँ से चले जाओ। ये लोग अच्छे लोग नहीं साहब, आपने जिसको मारे उसके भाई के आदमी है साहब। साहब आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ साहब, ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका यार कोई ठीक नहीं है साहब, चले जाओ। भाई उठना, देख तेरा बड़ा भाई आया है, उठना। क्या हुआ है तुझे? सर हाँ? सर वो कोमा में है सर। कोमा में है? इनके सर पर मुझे लगता है लोखंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से वार किया गया है। हाथ से पंच मारा। एम्बुलेंस आ गई। ए, भाई भाई आँख खोलना भाई, तुझे मारने वाले की लाश आ गई है। उठना भाई, चल उठ जा मेरे भाई। भाई भाई ऐ, हमारे पास क्या क्या है? कोयता, फावड़ा, तलवार है, सारे हथियार ले लो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत होगी मेरे हाथ से। उफ, पुलिस वाला बनकर यहाँ पे आया था, तुम लोगों ने मुझे मजदूर बना दिया। कोई बात नहीं, यहाँ जिम नहीं है ना, इसे ही जिम समझकर एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह सब भूत बनकर क्यों खड़े हो? चैन खुल गई है ना, जाओ आराम से खेलो कूदो। तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये शेर है यहाँ, ये तुम्हारा गाँव है, सिर्फ तुम लोगों का गाँव। इनकी शक्ल देख के मैं इमोशनल हो गया। कंट्रोल विक्रम, कंट्रोल। हाँ, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस गांव में बरसों पहले जब एक पुलिस स्टेशन का वजूद था तो इस गांव का बॉर्डर, नक्शा, हिसाब किताब कहीं तो रखते होंगे। वो तो मिलने से रहा, लेकिन उसके बिना काम करना भी मुश्किल होगा। जिस बॉर्डर को मैं क्रॉस करके आया हूँ उस पर मुझे जरा शक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के रेंज का बॉर्डर बनाया गया है, मतलब ये पक्का गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो क्या है ना, हमारी सरकार ऐसे कामों के लिए फालतू खर्चा नहीं करेगी। ये गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की कंडीशन देखकर लगता है जिनको मैंने मारा था उनका बॉस मुझे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो बॉर्डर उसकी बनाई हुई है। खैर, ये पुलिस वाला अपना फर्ज निभाएगा,
ड्यूटी पूरी करने की खुशी के साथ एक नया बॉर्डर फिक्स करेगा। क्या इरादा है? अरे बोलो यार, ये हुई ना बात। जीप है। उस कमीने का ऑफिस अब पुलिस स्टेशन तो बन ही चुका है, अब उसकी जीप को डिपार्टमेंट की जीप बनाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हो? अरे मैं जो कहूंगा उसमें हाँ बोलते जाओ बस। हाँ, सब ओके है, बस एक चीज मिसिंग है। अरे वो चूना देना भाई। अब जाके काम पूरा हुआ। ये लोग कौन है जो इतनी रफ्तार से आ रहे हैं? क्या वही है वो पुलिस वाला? भाई वही है वो, तो उसकी गाड़ी को ठोको, ठोक दो उसकी गाड़ी को ऐसा ठोको कि गाड़ी के साथ साथ उसके भी चितड़े उठ जाए। इतनी रफ्तार से आने का मतलब जिसने मेरे हाथ से मार खाया है लगता है ये उसका भाई है। उसके भाई के इतनी स्पीड से आने का मतलब वो मुझे मारने आ रहा है, तो मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। चल बेटा। दम जीप में नहीं होता बेटा, नाम में होता है। देख लिया पुलिस का दम? मैंने ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड देखकर सब अंदाजा लगा लिया था। फिर भी हो सकता है कि मेरी पावर पर तुम्हें डाउट हो, तो एक एक हाथ हो जाए। नहीं लड़ना है? अरे तू तू दो ही फाइट का मेहमान है, खेल खत्म। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद वो नहीं है। आज के बाद इस बोर्ड को लांघने से पहले 100 बार मौत को याद कर लेना। अब गांव वालों, तुम सब लोग मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं इस पुलिस स्टेशन में नया अपॉइंट होकर आया हुआ अप्रेंटिस पुलिस हूँ। सही है ना? हाँ, सही है। तो अब सारे मर्द इस साइड और सारी औरतें इस साइड आ जाएं। बैठ जाओ आराम से। आज के बाद सारे मर्द कांस्टेबल्स और सारी औरतें लेडी कांस्टेबल्स। ओके, हाल ही में यहाँ कोई लेडी रिपोर्टर आई थी क्या? आई थी ना, उसे मार डाला और फिर उसे दफन भी कर दिया। आज तक तुम लोग जो काम करते आए हो अब उसे रोक दो और यहाँ पर आराम से रहो। अब हम खुदाई करेंगे। वो देख रहे हो जो बड़े खम्बे दिख रहे हैं, वैसे ही भगवान की मूर्ति हो या फिर और कोई विचित्र चीज अगर आप लोगों को मिले तो वो लाकर मुझे दिखानी है। ठीक है? बहुत अच्छे। हाँ आ रहा हूँ। फोन। हूँ मिनिस्टर सर। नमस्ते। हेलो, कैसे हो? गांव मिला तुम्हें? सर गांव तो मिल गया लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया। आहा, वातावरण कैसा है? सर वातावरण, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चेक करने का टाइम नहीं मिला। मेरे आते ही एक फाइट हो गई, 4 लोग स्पॉट में आउट हो गए। यहाँ का कोई एक MLA, ये सब उसी का कारनामा है। MLA का? हाँ सर, MLA। और हाँ सर, एक और खास बात करनी है आपसे। आपने मुझसे एक लड़की के बारे में जिक्र किया था ना, उस लड़की का मर्डर करके यहीं पर दफना दिया उसे।
मर्डर? ऐसा यहीं के लोगों ने बताया मुझे सर। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी की खुदाई करके कहीं और भेजा जा रहा है सर। क्यों, कहाँ, किस लिए, ये अब तक मुझे नहीं पता। सर यहाँ जितने लोग सब कर्नाटक के हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग कन्नड़ और मराठी दोनों समझते हैं। अच्छा, वहाँ का एमएलए कौन है? कोई कुलकर्णी है सर। कुलकर्णी है, ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स निकालता हूँ। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस बारे में अपनी पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई भी बखेड़ा खड़ा करता है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, या फिर वो कुछ किए बिना चुप रहा तो वो अपने राज्य के साथ गद्दारी कर रहा है। लेट्स वेट एंड सी, वेट फॉर माई ऑर्डर्स। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुलकर्णी, MLA कुलकर्णी, उसे उस जगह से भला क्या लेना देना होगा? लेना देना है लेना देना। पिछली तीन पीढ़ियों से उस जगह से, उस जमीन से हमारा लेना देना है। ऐसे में ये कौन है जो मेरे साम्राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ है? भाई, अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उस नए पुलिस वाले को उसकी औकात क्यों नहीं दिखा देते हो? बेवकूफ समझाए क्या? ऐसा करने के बारे में कभी कोई सोचना भी नहीं। आज तक उस जगह को मैं दुनिया से छुपाते आया हूं, बड़े गुप्त रूप से। आज तक हम तीन पीढ़ियों से उस जगह को संभालते आ रहे हैं। हमारे बीच में कोई आकर कुछ भी कर सकता है क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बात अगर बड़े साहब को पता चल गया तो मंत्री बनना तो दूर, एमएलए की कुर्सी भी चली जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मनुष्य के सर को फुटबॉल बनाकर खेल रहा है वो। ज्योतिष जी को बुला। जब किसी इंसान का सामना नहीं किया जा सकता तब उसे मंत्र तंत्र से ही बांध लेना चाहिए। बुलाओ महाराज को। वहां जो आया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है। अरे अपनी ज्योतिष विद्या रहने दो, उसका जवाब सिर्फ उसकी मौत होनी चाहिए। जय महाकाली। वहां उस गांव में विक्रमेश्वर नाम से अवतारित भगवान शिव का मंदिर कई सालों से बंद पड़ा है। उस मूर्ति को हमें हर हाल में शांत करना होगा। तीन दिनों तक लगातार पूजा करनी होगी, उसके बाद ही हमारा जादू टोना महामंत्र सब काम करेगा। हाँ, महामंत्र, महामंत्र, काला जादू, सब कुछ करो। आपको जितनी बड़ी पूजा करनी है सब करो, शांति मिलनी चाहिए। उसकी मौत कब तक हो जाएगी महाराज? नहीं नहीं, मुझ पर आप जादू टोना मत कर दीजिएगा। अरे सुनो, इस जगह को महाराज के हिसाब से पूजा के लिए तैयार करो। बाप रे, इनकी आंखें तो देखो ऐसी लग रही हैं जैसे आग उगलने वाली हैं। जल प्रवाह पावित स्तरे भले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिकं धमट 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 धमन्नि नादमड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतनु शिवं शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्जरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि खग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतीक्षण मम नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध रुद्धरापति वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनी जल प्रवाह पावित स्तरे भले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिकं धमट 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 धमन्नि नादमड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतनु शिवं शिवं शिवं
शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। तुम्हें उसके कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। हो सके तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दो। मेरी भविष्यवाणी को कोई गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे डरा रहा है तो मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है। तुझसे अगर ये काम नहीं हुआ ना तो उसे मैं ही खत्म करूंगा। हेलो विक्रम। बोलिए सर। जैसा हमने सोचा था उस MLA ने उस जगह को लेकर कोई हल्ला नहीं किया। हमारा मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया है। मतलब वो जो MLA है वो उस राज्य सरकार के साथ धोखा कर रहा है। ये बात तो साफ हो गई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक रिटायर ऑफिसर के पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। तुमने जो इतने दिनों से मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। कुछ अच्छा होने के आसार हैं। वाओ सुपर्ब सर। अब सवाल ये है कि वहाँ से मिट्टी जाती है तो आखिर जाती कहाँ? ओह, तो फिर मैं उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर दूं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले वो गांव कर्नाटक का हिस्सा है ये तो कंफर्म हो जाने दो। यहाँ जो भी प्रोग्रेस होगी मैं तुम्हें बताता रहूंगा। और हाँ, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की कि नहीं? सर, जब से यहाँ आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को फोन ही नहीं किया। सर थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग सर। डांट पड़ेगी बेटा। खैर गुड बाय। सर मैं बाद में फोन करता हूँ। वाह, सच्चे दिल की मुराद पूरी होती है। ये बात कितनी सच है उसके वॉइस SMS से साबित हो गया। बोलो डार्लिंग। क्यों, आखिर मुझे भूल ही गए ना? लगता है तुम्हें वहाँ कोई खूबसूरत लड़की मिली गई। तुम वहाँ क्या गए, ना कोई मैसेज ना कोई फोन? जो लड़की मिली है ना उसी के पीछे जाओ। उससे पहले मैंने जो तुम्हारे पीछे 64,824 रुपीस इन्वेस्ट किए हैं वो लौटा दो या फिर उतनी ही पपिया दो। क्या सोचा था मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत आसान होगा? एक और बात याद रखना, तुम्हारी फोटो है मेरे पास। ज्यादा होशियारी की तो रेप केस कर दूंगी। तो अपनी सलामती चाहते हो तो वीडियो कॉल करो। ओके? अरे किस गधे ने फोन में कैमरा लगाया यार। छे, लेने के देने पड़ जाते हैं। चलो अब करो फोन। बच गए हो तुम। अगर 30 सेकंड्स भी लेट हो गए होते ना तो न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बन जाते। तुम ये बात बात में रेप की बात क्यों करती रहती हो? बहुत चीप वर्ड्स लगते हैं ये। इसके अलावा किसी और बात से डरते कहाँ हो तुम? हेलो 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 हेलो। अरे तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा विक्रम? हेलो, गाँव में पूरे दिन नेटवर्क मिलता है, बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते वक्त नहीं। इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, जानू स्पीकर फोन पे बात कर रहा हूँ। अब मैं नेटवर्क क्षेत्र में आ गया हूँ, बात करो। अच्छा सुनो ना, सॉरी ज्यादा बोल दिया। आहा, सीने में पूरी ठंड पै गई लेकिन मन नहीं भरा। एक और पप्पी दो ना। हेलो जानू, एक पप्पी दो ना प्लीज। सुनाई दे रहा है ना जानू? हेलो हेलो विक्रम। हेलो 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 हेलो। एक ही तो टावर मिला था। नेटवर्क भी गया, चार्ज भी गया। अब तो लगता है सपने में ही उससे बातें हो पाएंगी। हाँ? क्या बात है, सुबह सुबह गर्लफ्रेंड का फोन। ओहो, होम मिनिस्टर साहब है। सर नमस्ते सर। गुड न्यूज विक्रम, जो डॉक्यूमेंट्स तुमने भिजवाए थे उससे ये साबित हो गया कि वो जगह कर्नाटक की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और साथ ही रिसर्च के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। वो जगह कर्नाटक की है। ये न्यूज 2 दिन के अंदर कभी भी चैनल्स पर आ सकती है। वाओ, फिर तो सारे टीवी चैनल्स वाले अगर इंटरव्यू लेंगे ना सर। सर जल्दी से कपड़े चेंज करके मैं तैयार हो जाऊं क्या? मैं भी बहुत जल्द वहां आ रहा हूं। सर एक सजेशन है, सॉरी सर रिक्वेस्ट है। सर कर्नाटक डे बहुत करीब आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक डे इस साल यहीं पर मनाया जाए। वो क्या है ना, ये जगह कर्नाटक की है ये पूरे देश को पता चलना चाहिए। वेरी गुड आइडिया, ऐसा ही होगा, मैं इंतजाम करवाता हूँ। इन सब की वजह यहाँ का भगवान है सर, और इस भगवान को करोड़ों प्रणाम करे तब भी कम है सर। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
एक मिनट में आया। खुलखा नहीं। हाँ बोलिए। Is everything okay over there? अब पूछ रहे हैं यहाँ सब कैसा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये बात उन्हें नहीं पता चले। I asked, is everything okay? Fine sir, no problem. Super, super, उससे भी ऊपर सर। I'm very brilliant sir. Nothing sir, no problem. Okay. यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। Something is fishy. This is fine, sir. Yes, Kate. Have a good day. Thank you. Morning, sir. Hi, everybody. See you guys later. So, one question, please. So, please. Thank you, Christina. Thank you. Make yourself a drink. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so glad to announce Mr. Johnson, the richest man of this country for the third consecutive year. It's my pleasure to call Mr. Johnson onto the podium. Hmm. Thank you very much. Congrats. Thank you. Ladies and gentlemen, I really thank you for this great honor. It's a pleasure that all of you are being part of this party. Let's all of us meet at the press meeting. Enjoy the party. Sir, say something about your family, please. As you all know, my grandfather was a British ruler. He was a great man, followed by my father. In fact, I should tell you that everybody says I look a lot like my grandfather. Don't you think so? What's your next plan? Making my family proud and making my grandfather proud. Sir, there is an allegation and gossip that you and your ancestors have taken so many shortcuts to become consistent rich family of this country. What's your answer for this? Laughter is the answer for you, lady. Gentlemen, thank you for coming. This interview is over. Come on, move fast, quick. Hello, I'm coming. Open. What's your answer for this? No! Hey, Habibi. I'm coming there. Yeah. Assalamu alaikum, Habibi. Wa alaikum assalam. How are you, Habibi? Hello, Kulkarni. Good morning, sir. There's a good news for us. I signed a contract of $10 billion. Hey! And out of that, I'll give you 100 crore rupees. Oh, thank you, sir. Now listen to me carefully. This time send me the soil 3 times more than you used to send me before. You got it? Matlab, jitna maine bheja tha, usse 3 guna zyada. Why? Is there any problem? Yahan aap kankar tak nahi utha sakte. और उन्हें 3 गुना मिट्टी कहां से भेजूं? उस गोरे की ऐसी कि तैसी। No problem, sir. Coming, sir. Yes, sir. Sending, sending. No problem, sir. That's good. किसी भी तरह उस पुलिस के बच्चे को खत्म करो मेरी खातिर। किसी भी तरह आखिरी बार ये मिट्टी का सौदा हो जाने दो। कर्नाटक की शान कहलाने वाले एक ईमानदार राजनेता, जनता के सच्चे प्रतिनिधि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो स्टूडियो में इसलिए आए हैं ताकि आपके सामने, आम जनता के सामने एक बहुत ही जरूरी बात बता सकें। वो बात क्या है, उन्हीं से पूछते हैं। देश को आज़ादी मिलने से पहले और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर हमारे राज्य की, किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा शक्ति प्रधान गाँव है जिसका नाम है विक्रमादित्य। ये क्या बक रहा है? कुछ भी कहने दो, सरकार के हित में है यही बहुत है। हमें उस गांव से जो भी साक्ष्य मिला है उससे साबित हुआ है कि वो कर्नाटक का हिस्सा है। ये खुशखबरी आप सबको सुनाते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति जी ने भी इस पर अपनी मंजूरी दी है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन उस गांव में रहने वाले कन्नाड़ी लोगों की हालत बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही खराब है। ये मैं आपको क्या बयां करूं?
विपरीत परिस्थितियों में गांव के बारे में सटीक जानकारी निकालने में अगर हमें कामयाबी मिली है तो उसका श्रेय जाता है विक्रम नाम के एक होनहार नौजवान को। इस साल हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य राज्य दिवस के दिन उस गांव में जाएंगे और राज्य उत्सव वहीं मनाएंगे। ऐसा करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि वो गांव इसी राज्य का हिस्सा है। हेलो, हाउ आर यू सर? व्हाट द हेल इज हैपनिंग देयर कुलकर्णी? नो प्रॉब्लम सर। वॉच द ब्लडी टीवी यू इडियट। हेय, टीवी चालू कर, टीवी चालू कर। वाइस सर, एनी मिनिस्टर रेजिग्नेशन, ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है क्या? वॉच द टीवी फास्ट। ओके सर। सर, यहाँ हुआ कुछ ऐसा था कि सर, यू मस्ट कम सर, यू प्लीज कम सर। ब्रिटिश कंपनी का नमक खाए में मेरे बाप की कसम खाकर कहता हूँ सर, इस गांव पर सिर्फ आपका ही राज हो सकता है। I can't do anything in the state, but you can do everything in the world. You come, sir. Yes, that is mine. I am coming. This is not a story or a novel, but a real incident that's happening in Karnataka state. From the day of independence, this place was never known to the common people, but a man. इस साल कर्नाटक राज्य के उत्सव को कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में पाए गए विक्रमा तीर्थ नामक गांव में मनाने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के कई राजनीतिक संगठनों ने इसे फिर से कर्नाटक राज्य में शामिल करने की मांग की है। इस गांव का मिलना ही अपने आप में एक रोचक कहानी है, तो उसे उजागर करने के लिए दिन रात एक करने वाले विक्रम की कहानी उससे भी ज्यादा रोचक है। मुख्यमंत्री को यहाँ आना होगा और हमें सच्चाई बतानी होगी, तब तक हमें यहाँ से नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नमस्कार, हम आपको लेकर के चलते हैं विक्रमातीर्थ और उसकी रोचक कहानी से हम आपको वाकिफ कराते हैं। विक्रमातीर्थ नाम के इस छोटे से गांव में भगवान के प्राचीन मंदिर और प्राचीन शिलाएं मिली हैं, जिन्हें बहुत ही गुप्त तरीके से होम मिनिस्टर के पास पहुंचा दिया गया है। चलिए हम बात करेंगे विक्रम जी से, जो हमारे प्रतिनिधि को इन प्राचीन चीजों के बारे में और भी जानकारी देंगे। सिर्फ हफ्ते भर के अंदर एक फिल्म स्टार से भी ज्यादा फेमस हुए विक्रम जी आज हमारे साथ हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं जब विक्रमातीर्थ आया था तब यहाँ की हालत बहुत ही खराब थी, बहुत गुंडे थे यहाँ, सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। इस विक्रमातीर्थ में एक बहुत पुरानी शिव जी की मूर्ति मिली है और इसके डिटेल पता करने के लिए हमने जियोलॉजिस्ट बुलाए हैं। अब हमें ये पता चलेगा कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है। देखिए, उस पुरानी शिव जी की मूर्ति की तरह यहाँ और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो हमें कुछ ही दिन में हासिल हो जाएंगी, जिसके लिए हम जी तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, एक मिनट प्लीज। हेलो, हाँ बोलो जानू, टीवी पर देख रही हो मुझे? अच्छा बताओ। मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ ना? अच्छा देखो, अब दहेज का रेट बढ़ जाएगा, इसलिए अपने बाप से कहना कि पानी की बोतल थोड़ी ज्यादा खरीद के रखे। ए विक्रम, जैसे मैं तुम्हें टीवी पर देख रही हूँ, तुम्हारे मॉम डैड भी तो देख रहे होंगे ना? अगर उन्हें पता चला कि तुम पुलिस ऑफिसर बन गए हो तो तुम्हारा क्या होगा सोचा है? भूल से भी पापा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पुलिस वाला बन चुका हूँ। सर 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 प्लीज सर, टेलीकास्ट को रोको सर, टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। प्लीज सर, कैमरा बंद करो सर, प्लीज। सर सर प्लीज सर, टेलीकास्ट को रोकिए सर, प्लीज सर। डैडी विक्रम, तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। सदियों से खामोश मेरी माँ, मतलब तेरी दादी, उन्हें होश आ गया है। अगर उन्हें देखने की इच्छा हो तो तुरंत वापस लौट आओ। मगर विक्रम को फोन किया क्या? हाँ अभी अभी किया। ओह शिट। We'll be right back.
आ जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने से मैंने तुझे मना किया, तुझे खोने का डर था इसलिए रोका था। कोई बात नहीं, इस बात को लेकर तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगा। तेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरी माँ एक जिंदा लाश थी जो आज होश में आई है। जब मैं 12 साल का था तब से वो ऐसी ही है। उस दिन के बाद से मैंने ही उनका ख्याल रखा, बिल्कुल एक बच्ची की तरह। लेकिन आज मुझे मेरी सालों की तपस्या का फल मिला। कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ दोबारा कभी होश में आएगी। भगवान की दया से वो ठीक हो गई है। चल। माँ जी, देखो कौन आया है, आपका पोता विक्रम। शाबाश बेटी, शाबाश। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी हो। तलवारबाजी में तुमने महारत हासिल कर ली है, क्या बात है। रंगा जी, सुनिए तो रंगा जी, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ के पचड़ों में न पड़ के शहर में पैसा कमाता हूँ। स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई चल रही है उन्हें ये सब सिखाओ, उनके काम आएगा ये तलवारबाजी, ये कुश्ती। इसे क्यों सिखा रहे हो? वो ब्रिटिश वाले है ना, उनसे लड़ने के लिए मजबूत बाजू चाहिए। ये चूड़ी पहनने वाली कलाई भी अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसा ही चलता रहा तो मिल गई हमें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है बाबूजी? क्या? बेटी तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, शहर जाकर उसने 4 किताबें पढ़ ली है, दिमाग खराब हो गया है। ए अशोक, तू ही बता हमें यहाँ किस चीज की कमी है? कभी किसी ने हमें कोई कष्ट दिया है क्या? वो बेचारे ब्रिटिश वाले कभी कभार आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। हमने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं और ना ही कुछ दिया। फिर उनसे हमारी काहे को दुश्मनी भाई? हम जैसे सुकून से रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। आज विक्रमेश्वर की यात्रा सभा है जहाँ गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ जाकर दिखा अपनी अकलमंदी, कुछ भी बकता रहता है। चल बेटी, ए चलो, इसकी बातों से सबका दिमाग खराब हो जाएगा। पता नहीं इन लोगों को कब अकल आएगी। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, बीते वर्षों की तरह हम अपने कुल देवता विक्रमेश्वर की यात्रा उनके वाहन के गर्जन के साथ ही शुरू करेंगे। जय हो विक्रमेश्वर। सुना आपने हमारे कुल देवता विक्रमेश्वर जी के वाहन की आवाज? यात्रा का शुभारंभ करने के लिए वो दूर से किस तरह दहाड़ रहे हैं। हम सबके यहाँ इकट्ठा होने का कारण है, कुंभ से आए हुए शिल्पी लोगों का कहना है कि इस साल यात्रा से पहले नंदी पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहुँचाने में वो पूरी तरह से असमर्थ है। अब आप बताइए क्या किया जाए। पालकी का उत्सव मनाएंगे भैया, और क्या करेंगे? हर साल ऐसे ही होता है, तो क्यों ना इस साल हम लोग हाथी लेकर आए। चुप कर, हाथी को क्या तूने कोई पालतू जानवर समझ रखा है जिसे लेके तू गली गली घूमेगा? शांत रहो, शांत रहो। एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ तो सब लोग हैं लेकिन विक्रम कहाँ है? <स्थ
कौन है तू? शेर, हमारे कुल देवता का वाहन शेर को बचाने के लिए आया विक्रमातीर्थ का जाबान शेर, वो हमारे देवता हैं। तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इज्जत से चले जाओ। ए छोरे, हम अपना शिकार कभी नहीं छोड़ते, जान प्यारी है तो निकल यहाँ से। मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देता, कभी नहीं, चीर के रख देता हूँ। तो पहले हम इसका शिकार करते हैं, मारो इसे। क्या है विक्रम, बैलगाड़ी को तू इंसानों से खिंचवा रहा है? कौन है ये लोग, बिल्कुल जानवर जैसे दिख रहे हैं। रंगा जी, ये लोग भी जंगली जानवर से कुछ कम नहीं है, इसीलिए इनका शिकार करके आपके सामने लेकर आया हूँ। इन्हें जो सजा देनी है वो दे दो। हाँ? ऐसी क्या गलती की है इन लोगों ने? जिस शेर की गर्जना से हम इस गाँव में गौरी विक्रमेश्वर जी का उत्सव मनाते हैं, उसी शेर का ये लोग शिकार करने निकले थे। मैंने रोक लिया और इन सबको घुट्टों पे लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। शाबाश बेटा, शाबाश। हमारे कुल में सदियों से चली आ रही परंपरा में विघ्न डालने वालों से सिर्फ तुमने शेर की नहीं पूरे गांव की रक्षा की है। सब लोग जोर से बोलो, वीर विक्रम की। वीर विक्रम की। अरे रुको भाइयों, रुको, रुक जाओ। जय जयकार मेरी मत करो, रंगा जी की करो, जो मुसीबत से बचने के लिए हमें तलवारबाजी और कुश्ती सिखाते हैं। ऐसी नीच हरकत करने वालों की सजा यही है कि इस साल की विक्रमेश्वर जी की पालकी यही उठाएंगे। हम तुम्हें यही सजा देते हैं। बोलो विक्रमेश्वर महाराज की। विक्रमेश्वर महाराज की। विक्रमेश्वर महाराज की। Kulkarni, what was happening there? Sir, it was Vikrameshwar festival, sir. It is a very holy place. The people are coming and worshipping and dancing, sir, and enjoying, sir. That's why the place is called Vikramatirth. Vande Mataram! 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 Hello, lady. सर, आपने इंडिया के हर गांव पर टैक्स लगाया सर, लेकिन विक्रमातीर्थ पर कोई टैक्स नहीं लगाया सर, वही सर। I don't want to waste my money, time and energy in that useless land, wasteland.
उन लोगों को मैंने माफ किया है। इसीलिए वहां के लोग आजादी के लिए आवाज भी नहीं उठाते हैं। पकड़ता है, तुझमें हिम्मत है तो सबके सामने पकड़ के दिखा। ए, अकल की अंधी, अगर मैं इस वक्त तेरा हाथ नहीं पकड़ता तो सबके सामने हाथ पकड़ने के लिए तू जिंदा रहती, पानी में गिर जाती और सर फट जाता। अच्छा? सुन, हमेशा तू ही मुझसे दूर भागती रहती है, हिम्मत है तो रुक के बता ना। हाँ, तुझे देख कर भला मैं क्यों भागू, कहता है मेरी जान बचाई, तू क्या खुद को बहुत बड़ा शेर समझता है। बिल्कुल, मैंने त्रिलोक देव के शेर को बचाया है तो मैं भी एक तरह का शेर ही हुआ ना। त्रिलोक देव के शेर को बचाने वाले के अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे बाबूजी से क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे चाहते हो। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तेरा हाथ पकड़कर सर सर खींचता हुआ ले जाऊंगा और तेरे बाबूजी के सामने कहूंगा, ए, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाते हो या नहीं, अभी जा। बाबूजी, उत्सव के समय मैं इन दोनों पर ही ध्यान दे रहा था, विक्रम आपकी बेटी के करीब आ रहा था या आपकी बेटी को जिस नजर से देख रहा था मैं उसी वक्त समझ गया कि दोनों में कोई ना कोई किसी पकड़ रही है। तुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचना मेरा काम है, उसके लिए क्या भला है क्या बुरा वो मैं देखूंगा। रंगा जी, आप इन्हें ऐसी सजा दो कि ये जिंदगी भर याद रखें और गाँव के किसी और लड़के का दिल ना मचले। गाँव के सामने आज ही इन दोनों को सजा दूंगा, ये विक्रम मरते दम तक इस लड़की के साथ ही पिसेगा। कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी जो होगी। तुझे इससे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं। रंगा जी, आप मुझे कुश्ती सिखाने वाले सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि इस यतीम के बाप तो थे ही और अब ससुर भी बन गए। आपका दिल इस गांव से भी बड़ा है। हाँ, मैंने क्या किया बेटा, सब इस भगवान की माया है। Mr. Commissioner, I have collected all the reports of the soil testing from your area of administration. Well, Mr. Scientist, thank you. I have made all the arrangements to send you to the headquarters. Thank you, sir. Thank you very much. Go ahead. That village. Okay, sir. सब लोग खाना खा के ही जाना, मेरी बेटी की शादी है। देखो, आज से तुम लोगों का नया जीवन शुरू हो रहा है। तो ले
Splendid. I say, it seems to be a wedding. Do you mind if I take a photograph? हाँ? ये क्या कर रहे हैं? फोटो ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। Oh. Thank you. I wish you have a happy married life. चलो। Haven't tested the soil of this village. Huh? इन आंखों में शर्म, अब मैं क्या करूं? Commissioner, Mr. Commissioner, I have some really strange news. Sir, the soil we tested in the village of Vikramaditta is completely 100% uranium, sir. Uranium? Yes, sir, of the kind we need to make the atomic bomb, like the United States dropped on Hiroshima in 1945, sir. I think you understand the importance, sir. That's the news. Please have a seat, Mr. Scientist. Thank you, sir. Sir, we must inform the governor of the state immediately, sir. Mm-hmm. This could be of huge economic importance to His Majesty's government, sir. Trust me, sir, if you would just take a look. About this, you know, I know. And I don't want the governor to know about the same. Sir? About Vikramaditta. Only I should know. Don't kill me, sir. Don't kill me, sir. Don't kill me, sir. I have lot of wife and lot of children, sir. Don't kill me, sir. I announce the order, sir. विक्रम तीर्थ के रहने वालों सभी गौर से सुनो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आदेश है। अब तुम सबको दो दिन के अंदर इस गांव को छोड़कर कहीं और जाना होगा, अर्थात ये गांव खाली करना होगा। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कंपनी सरकार ने इस गांव को अपनी जागीर घोषित किया है, इसलिए तुम सभी लोग शांति के साथ बिना लड़ाई झगड़ा किए किसी सरकारी अफसर को नुकसान पहुंचाए बिना इस गांव को छोड़कर चले जाओ। रंगा जी, अब आई अकल ठिकाने। मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। स्वतंत्रता की समझ है ना आपको? अब देखो, आओ आकर जरा इन्हें भी बताओ स्वतंत्रता के बारे में। आओ, चुप क्यों खड़े हो? क्या है ये?
हाँ? ये हमारा गांव है, हम अपने परदादाओं के जमाने से यहीं पर हैं, हमारे भगवान भी यहीं हैं। वर्षों से यहाँ रहने के बाद इसे खाली कराने वाले आप होते कौन हो? हाँ? एक एक को काट कर रख दूंगा, इज्जत से यहाँ से चले जाओ, समझे फिरंग की औलाद, जाओ यहाँ से। What does he say? He said, when you enter the village, take his permission. And you are a red mouth person. Your skin is a code wala white leukoderma. And he's talking about your mother relation, sir. Huh? Rangaji! Officer is beaten and injured. Please be careful. Take proper rest. I'll see you soon. Thank you. Good night. Sir, वो लोग लाठी चलाना, तलवार चलाना और कुश्ती लड़ना सब सीखे हुए हैं सर. उनका सामना करना मुश्किल है सर. They are all time fighting, sir. We can't fight them from front, sir. We go better. How dare you say this? They have to leave the village. It belongs to me. Send the information to headquarters and call for extra forces now. इस गांव के कर्ता धरता रंगा जी हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? हम अपने घुटने टेक दें, इसी में हम सबकी भलाई है. ए, इस डर के वजह से ही हमारे देश पे वो लोग राज कर रहे हैं. मैंने पहले भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ. अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मुसीबत बढ़ती चली जाएगी. मेरी बात न मानने की वजह से ही रंगा जी मारे गए. तुम लोग जरा दिमाग से काम लो, वक्त हाथ से निकल चुका है. वक्त अब भी हमारे हाथ से गया नहीं. हमारे गाँव को हम बचाएंगे. उन लोगों से तुम्हें मैं बचाऊंगा, रंगा जी की सिखाई हुई विद्या से बचाऊंगा. नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी फौज क्यों ना आ जाए. देखते हैं वो लोग कौन सी साजिश रचते हैं.
Let's attack them silently and violently. Bolo Vikrameshwar Maharaj ki! Jai! Bolo Vikrameshwar Maharaj ki! Jai! Bolo Vikrameshwar Maharaj ki! Jai! I want that guy, Rana Vikrama, alive. Yes, sir. Anyone? I don't see anyone here. Anyone here? Nobody is here. Is everything okay? Everything is okay. Okay. You can come down. Yes. Shaking. It is the shaking of Kulkarni's extreme power! इनके पास खतरनाक हथियार है, वो एक एक करके हम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हम में से कोई नहीं बचेगा, किसी का नामो निशान नहीं बचेगा। विक्रम तू एक काम कर, गांव वालों को बोल कि भाग जाए, हम अपने गांव को तो नहीं बचा सकते, कम से कम हमारे लोग तो बचाएंगे। मैं हार नहीं सकता, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, एक एक को काट के रख दूंगा। इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन हम गांव वालों की बोली नहीं चला सकते। विक्रम, तब तक कहो कि ये गांव छोड़कर चले जाए। जल्दी बोलो विक्रम, क्या सोच रहे हो? बोलो। जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं विक्रम। जाओ तुम, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ जल्दी, चले जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ, चले जाओ, जाओ, लेकर जाओ, चलो, चले जाओ, जाओ, देर मत करो, तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा, जाओ, जाओ, चले जाओ। इसके साथ हूँ, तू जाओ, विक्रम, चली जाओ, जाओ तुम लोग, जाओ, छोड़ो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, चला। Oh,
हम अपने गांव को तो नहीं बचा सकते, कम से कम हमारे लोग तो बच जाएंगे। साहब जी, जैसा कहा वैसा किया मैंने। जैसा कहा था वैसी नौकरी दोगे ना? थू! कंपनी सरकार तुम्हें बंदरगाह में नौकरी देती है। ये अशोका, थू! धोखेबाज, मैंने लोगों को इस गांव को खाली करवाया सिर्फ तेरे कहने पर। तेरी इस हरकत के लिए भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। बेटा, ब्रिटिश सरकार ही अब हमारे भगवान है, इसलिए मैंने अपनी वफादारी उन्हें बेच दी। ए, ए, इस धरती की नाजायज औलादों, मेरे हाथ खोलो, तुम सबको जान से मार डालूंगा। हे, इसके हाथ मजबूती से पकड़ो, मजबूती से। हे, बच्चे विक्रम, इसीलिए तो तुझे मैंने बेताल की तरह बांध कर रखा है, वरना तू हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तो तुझे फंसाने के लिए हमने इसका सहारा लिया। ले चलो इस मर्दूत को, घसीट चलाओ, कंपनी सरकार इसका फैसला करेगी। कर्नाटक के लिए एक शुभ दिन है। विक्रमातीर्थ गांव को कर्नाटक से मिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी इजाजत दी है। I am back. This place is mine. Let me see who will stop me. Go and get the soil. विक्रमातीर्थ कर्नाटक का हिस्सा बना था, वहाँ पर जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारे संवाददाता से सूचना मिली है कि वहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है। माजी, माजी क्या हो रहा है? माजी, दादी माँ, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ? अभी खबर मिली है कि मरने वालों में कई रिपोर्टर भी हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया, क्यों करवाया, ये अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। इन्हें यहाँ मत रखो, हॉस्पिटल शिफ्ट करो। ठीक है, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। कर्नाटक राज्य में अभी अभी शामिल हुआ एक पिछड़ा हुआ गाँव विक्रमातीर्थ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इस बॉम्ब ब्लास्ट का विरोध करने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हजारों लोग, सैकड़ों संस्थाएं एक साथ मिलकर इस हादसे के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। पूरे राज्य में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर जगह चक्का जाम हो चुका है। जगह जगह पर आप गाड़ियों की लंबी लाइनें देख सकते हैं। पुलिस को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारी जगहों पर पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। किसी भी सूरत में अब ये सरकार वापस आएगी, ये उम्मीद कम है। पब्लिक इसी इंतजार में है कि मुख्यमंत्री जी इसके बारे में क्या बयान देते हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ होम मिनिस्टर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। हेलो सर, सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है सर। डोंट वरी, वी विल हैंडल इट। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। आप अंदर जा सकते हैं, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर। ठीक, ओके, थैंक यू। ये विक्रमातीर्थ गांव का इश्यू जब खुलकर सामने आया, तो आपके बारे में, आपकी सरकार के बारे में जनता की क्या राय है ये सुनते हैं सर। सरकार को अगर यही नहीं पता है कि विक्रमातीर्थ गांव कहाँ है, तो आखिर कुर्सी पर बैठकर कर क्या रही है? सरकार को चाहिए कि बस वो लोगों के अधिकार उन्हें वापस करे। इन्हें सरकार चलानी छोड़ के भैंस चलानी चाहिए। बड़ी बड़ी बातों में टाइम वेस्ट करते हैं और काम तो कुछ करते ही नहीं है। सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार बिल्कुल बेकार हो गई है। रियली दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई हैव एवर सीन।
शेम ऑन आवर गवर्नमेंट, शेम ऑन आवर पॉलिटिशियंस। आज इन्होंने इस मसले को सहजता से लिया, कल आतंकवाद के मुद्दे को भी सहजता से लेंगे। सर, भाषा की लाज रखने के लिए कितने कन्नड़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आज भी गंवा रहे हैं। अब इतने लोगों की मौत के लिए आप और आपकी असफल सरकार जिम्मेदार है, ऐसा कर्नाटक के लोगों का मानना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरा देश आज आपको देख रहा है सर, आप जवाब दीजिए। देखो, आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी। तो दर्शकों, देखा आपने आपके मुख्यमंत्री का असली चेहरा? सर, आपने मुझे यहाँ इतनी शॉर्ट नोटिस पर क्यों बुलाया है? जब तुमने विक्रमातीर्थ के बारे में बताया था तो मैंने लापरवाही बरतकर तुम्हारी बातों को मजाक में उड़ा दिया था। शतरंज की बाजी की तरह गंदा पॉलिटिक्स खेलकर हम जैसे राजनेता राज्य को चलाते हैं। ये विक्रमातीर्थ की घटना और उसके प्रति मेरा लिया हुआ निर्णय बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। कुछ करते हैं, जिसने ये किया उन्हें करारा जवाब देना होगा। कहना क्या चाहते हो? विक्रमातीर्थ को इंसाफ दिलवाना मेरे सरकार की पहली प्राथमिकता है। एक मिनट आया। हेलो विक्रम। सर, न्यूज़ देखा? अभी तक तो विक्रमातीर्थ का मैटर मेरे लिए प्रोफेशनल था सर, लेकिन अब पर्सनल हो गया है। तुम्हारे इस विश्वास के साथ मैंने 7 करोड़ कर्नाटक के लोगों का जिम्मा उठाया है। सर विक्रम, अब तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर नहीं रहोगे। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर अ परमानेंट मेंबर ऑफ कर्नाटक पुलिस फोर्स। रणभूमि है ये पूरा संसार, रण विक्रम हिम्मत तू कभी ना हार। रण विक्रम न चुके तेरा कोई वार। रण विक्रम तेरा धर्म, रण विक्रम तेरा धर्म, दुश्मनों का तू कर खात्मा। रण विक्रम तेरा धर्म, दुश्मनों का तू कर खात्मा।
यह है मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बैठ जाओ। थैंक यू सर। वहां के सारे लोगों से मैंने इंक्वायरी की और तब एक ही आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और वो ये है। ये वो शख्स है जो पूरे विक्रमादित्य पर राज कर रहा है। ओह। और इसे महाराष्ट्र राज्य का एमएलए कुलकर्णी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अफसोस इसे वो यूज कर रहा है। विक्रमादित्य में जो मिट्टी निकाली जा रही है उसमें 48.008 ppm मतलब सी क्लास का यूरेनियम मिक्स है सर। उस सी क्लास यूरेनियम को ओपन कास्ट माइनिंग से निकाला जाता है। वहां से निकाली गई मिट्टी को गोवा के पोर्ट में ट्रांसपोर्ट करके वहां आयन और चारकोल का फेक लेबल लगाकर डायरेक्ट मिडिल ईस्ट कंपनी में एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे देश से निकाला गया यूरेनियम इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट को बेचा जाता है। हमारे देश पर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक करने का उनका प्लान है। ओ माय गॉड। इनफैक्ट विक्रमादित्य में बॉम्ब ब्लास्ट उसी ने करवाया है। विक्रम, देश से गद्दारी करने वालों का हम कुछ नहीं कर सकते। उस माँ चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद हमारे देशवासियों के साथ है। वो इस वक्त हमारे देश में ही है सर। उसका वीजा पासपोर्ट सब मैंने ब्लॉक करवा दिया है। इतना ही नहीं, वो इस वक्त कहाँ है ये भी हमें पता है। Then go ahead, arrest him. Sir, I'm going to kill him. Vikram, please sir, allow कीजिए। उन्हें सपोर्ट करने वालों और मिट्टी ले जाने वाले गद्दारों को पकड़ने के लिए मैंने एक स्पेशल टीम बनाई है। सर, उसके पास इतनी मनी पावर है कि उसे हमारे राज्य से ही नहीं हमारे देश से भी निकलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। प्लीज सर, प्लीज। हेलो ऑफिसर्स, सॉरी, मैं आप सबको ऑफिसर्स कहकर बुलाने की बजाय फ्रेंड्स या ब्रदर्स कहना पसंद करूंगा, क्योंकि अब जो काम हम करने जा रहे हैं उससे हमारा गांव, हमारा घर और हमारे अपने सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यहां हमें भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो आपका क्या लक्ष्य है यह आप सभी जानते हैं। यस सर, हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड स्टडी कर लिया है। गुड। You came to catch me. Good. Very, very good. मैं सर विक्रमादित्य को वहां के लोगों से खप का छीन चुका हूं. You can't catch me. It's a challenge for you to stop me. Now, listen to me carefully. मेरे धंधे को कोई मामूली ऑफिसर रोक नहीं सकता. तू बस अपनी खैर मना. Bye-bye. इसलिए यहां हमें भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। सर,
इस 360 डिग्री में जहाँ भी देखो अपने ही लोग नजर आएंगे विथ वेपन्स। सर, कर्नाटक हमारी मिट्टी है ये कहने वालों के मुंह पर मिट्टी मार कर हम निकल जाएंगे सर। वी आर सेफ सर, नो प्रॉब्लम। कुलकर्णी, आई डोंट नो व्हाट यू विल डू, बट ऑल आई वांट इज टू लोड ऑल माय सॉइल बाय टुडे इनटू द शिप। एंड लिसन, द शिप हैज टू स्टार्ट फ्रॉम गोवा बिफोर टुमारो इवनिंग, एंड आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन माय प्लान। अंडरस्टैंड? डिस्टर्बेंस सर, वो डिस्टर्ब करने वाला विक्रम तो ऊपर पहुंच गया है ना सर। सर, इन केस अगर वो 5-10% भी जिंदा बचा है तो यहाँ पहुंचने के लिए वहां से यहाँ तक उसे इतना टाइम लगेगा कि हम लोग छू हो जाएंगे। साउथ के एक्शन हीरो जैसा क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स बनाने के लिए भी वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। सर, लेट हो रहा है। डोंट वरी सर, हमारे आदमी है ना सर उसे संभालने के लिए। आओ जल्दी चलो सर, निकलते हैं। ट्रेन तैयार है कि नहीं? सर, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ का बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ का सारा यूरेनियम हमारा होगा सर। कम सर, ट्रेन इज वेटिंग। वो सामने जो पहाड़ है उसे क्रॉस करने के बाद महाराष्ट्र आता है सर।
फिरंगी की औलाद तुम मुझे चैलेंज देता है। वैसे चैलेंज लेना मुझे बहुत पसंद है, जानता है क्यों? क्योंकि जीत हमेशा मेरी ही होती है। सदियों से तेरा खानदान हमारे देश की मिट्टी चुरा रहा है, लेकिन उसकी कीमत तू अब तक नहीं समझ पाया और ना ही उस मिट्टी के गुण तू अब तक अपना सका। पीछे से छुरा मारने की तुम लोगों की आदत है और सीना तान कर जान देने की हमारी परंपरा। आज का दिन समस्त कर्नाटक की जनता के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। कुछ महीनों पहले कोई भी वाकिफ नहीं था कि विक्रम तीर्थ नाम का गांव कर्नाटक राज्य के नक्शे में स्थित है। हमारा ये संघर्ष आज जिसके कारण पूरा हो पाया है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। वो है विक्रम। विक्रम को मैंने प्रमोशन देके पुलिस डिपार्टमेंट का एसीपी बनाया है। All the best. इसी तरह से तुम आगे बढ़ते रहोगे ना? Sure, sir.